मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय, महिलाओं के क्या क्या कानूनी अधिकार हैं और क्या उन्हें विशेष छूट कानून के अंतर्गत दी गई है, वो बतलाने जा रहा हूँ। महिलाओं का भारतवर्ष में शुरू से ही शोषण होता रहा है, उनके साथ अनेकों उनके अधिकारों का शोषण करते हुए कई प्रकार के अत्याचार आदि उनसे किए के प्रति किए जाते हैं। महिलाओं को सबसे पहले ये अधिकार दिया गया है कि समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन, जहाँ पर पुरुष और महिलाएं किसी भी एम्प्लॉयर के अधीन कार्य करती हैं उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है, उनके साथ किसी प्रकार का वेतन के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा अधिकार यह है कि गरिमा और शालीनता अर्थात राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी, महिलाओं को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार है। यदि उनके गरिमापूर्ण जीवन और शालीनता के अधिकार में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो वे इसकी शिकायत कर सकती हैं। तीसरा अधिकार यह है कि कार्यस्थल पर यदि उनके साथ कोई उत्पीड़न आदि किया जाता है, वर्क प्लेस पर, राइट टू अगेंस्ट वर्क प्लेस हेरेसमेंट, तो इसके लिए एक विशाखा वर्सेज राजस्थान का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला था, जिसमें सभी विभागों में शासकीय अशासकीय एक कमेटी आदि का निर्धारण किया गया है, और उसमें वर्क प्लेस पर यदि महिला के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या बदमाशी की जाती है तो वो 3 माह के अंदर उसकी अपनी रिपोर्ट उस कमेटी के समक्ष रख सकती है, जहां उसका निराकरण किया जाता है। अगला अधिकार यह है कि महिला के साथ किसी प्रकार की यदि घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस उसके पति या उसके सास ससुर या देवर आदि के द्वारा की जाती है, तो पुलिस सबसे पहले उसकी जाँच करेगी। अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ये कहा गया है, कई महिलाओं द्वारा इसकी झूठी रिपोर्ट कर दी जाती थी, तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान के दौरान ये वास्तव में पता लगाएगी कि महिला के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हुई। इस प्रकार महिला डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। अगला अधिकार है महिला का कि राइट टू कीप देयर आइडेंटिटी और एनिमस, मतलब वो अपना जो है नाम पता वगैरह गुप्त रख सकती है। ये उसको सीक्रेसी का अधिकार इसलिए दिया है कि महिला को लोग बदनाम करते हैं और कुछ न होने पर भी उसे किसी भी तरह की अनर्गल आक्षेप उसके विरुद्ध लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज न करते हुए गोपनीय रख सकती है। अगला महिला का अधिकार ये दिया गया है कि राइट टू गेट फ्री लीगल एड, महिला को सरकार की ओर से कहीं भी कोर्टों आदि में मुफ्त कानूनी सलाह कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान है, वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। महिलाओं को एक विशेष सुविधा दी गई है कि उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह वह प्राप्त करने की अधिकार है। नेक्स्ट है महिला को रात में गिरफ्तार न करने संबंधी अधिकार, किसी भी महिला को किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही यदि वो किसी अपराध में या उसकी अपराध में आवश्यकता है तो दिन सुबह के 6 बजे तथा सूर्यास्त में के 6 बजे के पहले ही महिला अधिकारी द्वारा उससे पूछताछ की जा सकती है, और महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही ये सब किया जाएगा। अगला महिला का अधिकार है राइट टू रजिस्टर वर्चुअल कंप्लेंट, वो किसी शिकायत को दर्ज करा सकती है, कहीं भी दर्ज करा सकती है, 0 FIR भी कर सकती है, जिस जगह महिला उपलब्ध है या उपस्थित है उस थाने में भी वो अपनी रिपोर्ट कंप्लेंट शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके लिए पीड़ित महिला को किसी भी थाने में 0 FIR कराने का अधिकार है, बाद में संबंधित क्षेत्राधिकार के थाने में उस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे महिला को शिकायत करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट महिला का अधिकार है महिला ईमेल और व्हाट्सएप से भी अपने किसी कंप्लेंट को पुलिस थाने में जाए बिना, या महिला कोई सेल बनी हुई है उसमें कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकती है, वहाँ उसे जाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो उनको बुला सकती है हेल्पलाइन पर फोन करके। नेक्स्ट अधिकार है अभद्र व्यवहार के खिलाफ उसको राइट अगेंस्ट दी एंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात वो अभद्र व्यवहार के खिलाफ शिकायत कर सकती है, महिला के किसी अंगों के बारे में या किसी भी तरह की कोई बदमाशी करता है तो महिला इसके खिलाफ। दूसरा महिला को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार है, पिता की संपत्ति में वो अपना जो भी उसका राइट बनता है उत्तर पोर्शन प्राप्त करने के लिए वह कानूनी रूप से केस भी लगा सकती है। पति की मौत के बाद वो मेंटेनेंस आदि ले सकती है, स्वयं कमाई हुई संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार है, स्त्री धन आदि पर। दूसरे महिला को
महिला के द्वारा ही तलाशी ली जाएगी, कारण बताया जाएगा, और यदि उसके अधिकारों का हनन होता है, शराब पीकर उसका पति डोमेस्टिक वायलेंस आदि करता है, तो वह इसकी शिकायत कर सकती है। किसी भी फैक्ट्री आदि में कार्यरत महिला सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के पूर्व ही कार्यरत रहेगी। अगर एक्स्ट्रा टाइम उससे कोई कार्य लिया जाता है, कंटिन्यूअस 5 घंटे के बाद उससे कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। तथा महिला हेतु अलग प्रसाधन बनाए जाएंगे, टॉयलेट्स होंगे, बच्चों के लिए 30 से ज़्यादा जहाँ हैं वहाँ कंपनी में व्यवस्था की जाएगी। 48 घंटे से ज़्यादा एक सप्ताह में उससे कार्य नहीं लिया जाएगा। तथा महिला के लिए यह भी अधिकार है कि मैटरनिटी आदि की सुविधा उसे बच्चा पैदा होने के 6 सप्ताह पूर्व तथा 6 सप्ताह बाद की मैटरनिटी बेनिफिट दी जाएगी। इस प्रकार महिलाओं के लिए ये कानूनी अधिकार दिए गए। दहेज निवारण कानून के अंतर्गत महिला से ना तो दहेज लिया जा सकता है, ना दहेज के लिए उसे परेशान किया जा सकता है। दूसरे भ्रूण हत्या आदि के मामले में यदि कोई उसके यहाँ भ्रूण है और वो नहीं उसको गर्भपात कराना चाहती, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कुल मिलाकर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम, अश्लील कोई उससे बातें करना, उसका पीछा आदि करना, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना, इसके लिए भी महिलाओं को विशेष प्रोटेक्शन दिए गए। अब मैं आपको महिलाओं के लिए विशेष छूट किन किन चीज़ों में मिलती है, इस बारे में भी संक्षेप में बतलाने जा रहा हूँ। संपत्ति की यदि कोई प्रॉपर्टी आदि की रजिस्ट्री जमीन की, जायदाद की या मकान आदि की जाती है, तो स्टैम्प ड्यूटी में महिलाओं को छूट मिलती है, जिससे कम ड्यूटी के स्टैम्प लेकर रजिस्ट्री कराई जा सकती है। ट्रेन में विशेष स्पेशल ट्रेन आदि में कोचेज की स्थापना की गई है, जिसमें सीट उनकी रिजर्व रहती है और उन्हें बैठने के स्थान की प्रायोरिटी दी जाती है। इसी प्रकार सरकारी बसों आदि में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई है, और किराए आदि में भी कुछ स्टेट में जैसे राजस्थान आदि है उनको छूट दी गई है। इसी प्रकार महिलाओं को बैंकों में जैसे BMB भारतीय महिला बैंक आदि में महिलाओं के लिए विशेष छूट आदि की प्रावधान रखे गए हैं। तथा सरकारी नौकरी आदि में भी महिला को अधिक आयु तक अप्लाई करने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा तथा राज्यों की सरकार द्वारा महिला तथा बच्चों के लिए कई हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए लोगों को, क्योंकि इन्हें वीकर सेक्शन माना गया है, स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं। इस प्रकार मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो, जिससे किसी प्रकार का शोषण उनका ना हो सके और वो गरिमा और शालीनता पूर्वक लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन के रूप में अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी रखकर उनका उपयोग वैधानिक ढंग से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अपने फ्रेंड्स आदि में इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।